हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पर शशि तैलान पर। आज ऋषिकेश में पांचवा दिन और आज जाने का टाइम नज़दीक, बिल्कुल तैयार हो चुके हैं निकलने के लिए। अभी निकलने वाले हैं हम लोग यहाँ से और आज थोड़ी देर हरिद्वार में स्टे करेंगे, उसके बाद हम लोग दिल्ली जाएंगे। और आज मैं मतलब बहुत खुश भी हूँ और बहुत मन शांत है, बिल्कुल इतना शांत है कि मैं बता नहीं सकती। और बहुत कूल माइंड लेके जा रही हूँ यहाँ से मैं, क्योंकि मैं बड़ी फर्स्ट एड सी हो रखी थी, लेकिन अब जो है मैं बहुत ही शांत स्वभाव से हूँ और मुझे यहाँ का सब कुछ बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत शांति मिल रही है। यहाँ पे सभी लोग बहुत अच्छे से रह रहे हैं, बहुत अच्छे से घर बने हुए हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितना अच्छा वातावरण है यहाँ का, बहुत ही अच्छा वातावरण है, इतना शुद्ध, इतना शांत, बहुत ही शांत है, बहुत ज़्यादा शांत है, बहुत ही शांत है, इतना शांत कि मैं बता नहीं सकती। बहुत आनंद आ रहा है, बहुत निर्मल मन हो गया मेरा, बहुत शांत हो गया मेरा मन, क्योंकि मेरा मन बहुत उदास था जब मैं यहाँ पे आई थी। और इसी वजह से मैं यहाँ आई थी अपने आप को ठीक करने के लिए कि मैं ठीक हो जाऊँ, क्योंकि मेरा मन बहुत अशांत था और अशांत मन से कुछ भी अच्छा नहीं होता। और मेरा मन काफ़ी टाइम से अशांत चल रहा था, लेकिन कोई इलाज नहीं था मेरे पास। बट अब जो है ना, अब मेरा मन बहुत शांत है। और अब निकलेंगे गाड़ी लेके, तो मैं दिखाऊंगी मेरा ड्राइवर कैसे ड्राइव करता है। और मेरी फ्रेंड ये मेरा ड्राइवर, जो आपसे बहुत बार मिल चुकी है, और वही गाड़ी को लेके जाएगी, दिल्ली तक लेके जाएगी। और वही बहुत अच्छी ड्राइव करती है वो। आज पांचवा दिन हो गया, आप लोगों को बता चुकी हूँ, लेकिन आज मैं जा रही हूँ और यहाँ से इतना लगाव हो चुका है, देखिए कितना प्यारा लग रहा है सब कुछ। अब मैं जा रही हूँ यहाँ से, ये देखो शिव जी भोले बैठे हुए हैं यहाँ पे, और देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसने मेरा ड्राइवर तैयार है गाड़ी चलाने के लिए, इसको सैल्यूट है जो कि पहाड़ियों में गाड़ी चलाती है। और मुझे अच्छा लगता है इसकी ड्राइविंग पर, मुझे बहुत भरोसा है। आते वक्त भी मैंने यही बोला था कि तेरे ऊपर बहुत भरोसा है, क्योंकि इसके साथ मुझे गाड़ी में बैठ के चलते हुए बहुत साल हो चुके, और बहुत अच्छा ड्राइविंग करती है ये, बहुत ही सुंदर ड्राइविंग करती है। ये आराधना स्थल है बिल्कुल गीता भवन के पीछे, और इसमें हमने अपनी गाड़ी खड़ी करी थी और यहीं पे हमने रहना भी शुरू किया था। चार दिन हम रहे हैं यहाँ पर, बहुत ही अच्छा लगा हमें। और अब यहाँ पे हम बाय करने के लिए खड़े हो गए कि हमारी गाड़ी लेके बस अब निकलना चाहते, क्योंकि आज हम सोचे दिल्ली पहुँचे। बुआ जी का काम, मेरी फ्रेंड का काम काफ़ी अटका हुआ, वो बेचारी पीजी वगैरह चलाती है तो उनका काम रुका हुआ है, इसलिए मुझे लगा कि अब चलना चाहिए। मैंने ही उनको बोल दिया, वो तो मना ही कर दी थी जब तक तेरा मन रहे यहाँ पे, लेकिन नहीं, मैंने ही बोला नहीं आपका काम थोड़ा सा हो रहा है, डिस्टर्ब हो रखा है मेरी वजह से। वो मेरे हमेशा मेरे साथ खड़ी रहती है और हमेशा मेरा साथ भी देती है। जब भी मैं उदास होती हूँ मैं उसी के पास जाती हूँ, मेरा मन थोड़ा ठीक हो जाता है उसकी बातों से। वो ऐसी ही बातें करती है कि मैं हंसने लगती हूँ, तो मेरा मन उसके साथ रह के बहुत अच्छा हो जाता है। क्योंकि आजकल जो है ना, थोड़ा माहौल मेरे मन का अजीब सा हो रखा है, इसलिए थोड़ा सा उदास थी, लेकिन बट अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत शांति लेके जा रही हूँ मैं अपने साथ। निकल पड़े हम लोग ऋषिकेश से और ये पहाड़ी एरिया आ गया है, और मेरे ड्राइवर ने अपनी ड्राइविंग शुरू कर दी है बहुत अच्छे से, कॉन्फिडेंटली। और सने बहुत अच्छी ड्राइवर है वैसे तो, वाकई में बहुत अच्छी, मतलब मुझे इसके ऊपर इतना भरोसा है कि बस पूछो तो इधर खाई है, लेकिन फिर भी गाड़ी अच्छे से चला रही है। अभी तो खैर वैसा रास्ता है, अभी पहाड़ी एरिया और अच्छे से आने वाला, फिर मैं आपको अपने साथ लेके चलूँगी, देखते रहिएगा। ये देखिए दोस्तों कितनी विकट पहाड़ियां हैं यहाँ पर, इधर तो पहाड़ियां हैं और इधर देखिए आप गहरी खाई है, और फिर भी बड़ी अच्छे से गाड़ी चला रही है मेरी बहन, बहुत प्यार से गाड़ी चलाती है ये, और बड़ी सावधानी के साथ गाड़ी चला रही है। आप देखिए कितना संकीर्ण सा रास्ता है, बहुत ही तंग रास्ता है यहाँ पे, छोटी सड़क है, दो गाड़ियां इकट्ठी निकलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी बहुत ही सावधानी के साथ निकलते हुए, बहुत अच्छी सी ड्राइव करते हुए बहुत अच्छा चलाती है ये। देखो अभी सामने से गाड़ी आई, आप लोगों ने देखा कि रुकना पड़ता है गाड़ी अगर सामने से आती है। इधर पहाड़ है, इधर ये खाई है, इसलिए थोड़ा सा सावधानी से चलाना पड़ता है। यहाँ के ड्राइवर तो थोड़े से ट्रेंड होते हैं, पूरी ट्रेनिंग होती है उनके पास, वो चलते रहते, एक्सपीरियंस होता है उनके पास, लेकिन इसने पहली बार पहाड़ियों पे गाड़ी चला रही है, पहले राजस्थान की पहाड़ियों पे इसने चलाई है गाड़ी,
लेकिन हरिद्वार की साइड इसने पहली बार ही चलाई है, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छे से लेके आई, अच्छे से लेके जा रही है। और आप लोग हमारे साथ बने रहिए, मैं आपके साथ ऐसी बातें शेयर करती रहूंगी। और ये क्या है, पिकॉक है? ओ कितना प्यारा पिकॉक, हाँ देखो कितना प्यारा, ये दो दो पिकॉक। चले अपने आप से ही मुझे मोर दिखाई दे के ये, तो मैंने उनकी मैंने वीडियो में उनको कैप्चर कर लिया है, पता नहीं आया कि नहीं आया, मुझे नहीं पता, बट बाद में देखूंगी, जब वीडियो देखूंगी तो आपको भी बताऊंगी आया कि नहीं आया। चले दोस्तों मिलते हैं, साथ साथ बने रहिए और साथ साथ देखते रहिए हमारी ड्राइविंग, हमारा सफर बहुत अच्छा है, बहुत ही शान। ये बैराज आ गया है यहाँ पे और ऋषिकेश पहुँच चुके हम लोग, और सने बहुत अच्छे से गाड़ी चला के लाई, बहुत अच्छा यहाँ पे लग रहा है हम लोगों को। और इधर से ये देखिए बैराज बना हुआ है यहाँ पे, और उधर से गंगा मैया आ रही है बहते हुए और इधर से जा रही है। अब आगे हम ऋषिकेश में पहुँच गए, अब ऋषिकेश की एंट्री है और इसके बाद हरिद्वार हमारा थोड़ा सा स्टे होगा। उधर से पहाड़ सारे दिखाई दे रहे हैं हम लोगों को, बहुत अच्छा व्यू है, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे, इतनी शांति है कि मैं बता नहीं सकती। ये देखिए फ्लावर्स कितने प्यारे लग रहे हैं यहाँ पे, जगह जगह फ्लावर्स के पेड़ है यहाँ पे जो कि बहुत सुंदर दिखते हैं, और इसी से यहाँ पे सुंदरता बढ़ जाती है। ऋषिकेश से दिल्ली पहुंचे, दिल्ली में घुसते ही जाम ही जाम, इतना बुरा जाम है कि गाड़ी को सरकाना इतना मुश्किल है, एक एक सेकंड के लिए बहुत ही मुश्किल होता है यहाँ पे, एक एक इंच जगह पे सरकती है गाड़ी और उसके बाद फिर बंद, फिर सरकाओ फिर बंद, इतना जाम हमने कभी भी, इतना टाइम हमें ऋषिकेश से दिल्ली तक नहीं लगा जितना दिल्ली से ओहो अपने घर तक पहुंचने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा, 4 घंटे लगते हैं कि 5 घंटे लगते हैं, पता नहीं कितना टाइम लोग इसमें लगाने वाले हम लोग। चलो देखा जाएगा, जो भी टाइम लगेगा आप हमारे साथ रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे, मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।